गाजीपुर के गहमर गांव के कई गंगा तटों पर कल कई शव गंगा में तैरते मिले थे, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। 1 किलोमीटर के दायरे में गंगा घाट पर मिले शवों की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को मिली, प्रशासन के होश उड़ गए। डीएम एमपी सिंह ने जांच टीम गहमर भेजी थी। आज डीएम ने मीडिया से बात की, पर ये नहीं बताया कि ये शव किसके हैं और कहां से बहकर आए हैं। डीएम ने कहा कि हम गंगा में लगातार पेट्रोलिंग करा रहे हैं और यदि किसी को अंतिम संस्कार में दिक्कत आ रही है तो वो जिला प्रशासन से मदद ले सकता है। जिला प्रशासन उनकी हर तरह से मदद करेगा। वहीं गंगा घाटों पर सफाई का काम करने वाले समाज सेवी बब्बन सिंह का दावा है कि पूरी रात उन्होंने और जिला प्रशासन ने गंगा तट पर सफाई का काम किया और कुछ शवों का अंतिम संस्कार किया, जबकि कुछ शव जो 75% तक डैमेज हो चुके थे उनको दफन किया गया। आपको बता दें कि गाजीपुर के गांव में कोरोना पैर पसार चुका है और रोजाना बड़ी संख्या में जनपद में मौतें हो रही हैं और लोगों को अंतिम संस्कार भी इज्जत से नसीब नहीं हो रहा और लोग शवों को गंगा में प्रभावित कर दे रहे हैं। अगर कहें कि ये शव मानवता को शर्मसार करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। हम लगातार पेट्रोलिंग करा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कहीं किसी को अंत्येष्टि प्रक्रिया में समस्या है तो हमें सूचित करें। हालांकि हमारी टीमें भी लगातार गांव में भ्रमण कर रही हैं और हम नदी में भी दोनों किनारों पर जो हमारे जनपद सीमा में आता है वहां भी हम नाव से पेट्रोलिंग करा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को ये बता भी रहे हैं कि लोग दहशत में ना आएँ, लोग परेशान ना हों। अगर कहीं किसी के परिवार में इस तरह की दुखद घटना हुई है तो जिला प्रशासन उनके साथ है, उन्हें सौवाहन की आवश्यकता है हम सौवाहन देंगे, उन्हें अंत्येष्टि क्रिया के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है हम आर्थिक मदद भी देंगे, लेकिन डेड बॉडीज के साथ जो भी मान्यताएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी अनुष्ठान है वो पूरे सम्मान के साथ वो करें और जिला प्रशासन उनके साथ है और उनको पूरी मदद करेगा। आज बिल्कुल ही साफ है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन और गांव के नागरिक कामदेव सिंह और मैं स्वयं रात भर जग कर इसे साफ सफाई कराने में अपनी भूमिका निभाई। आपको क्या लगता है ये शव कहाँ से आ रही होंगी या ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई है? शव ये जो है कि नहीं, कुछ बाहरी गांव के लोग हैं जो नज़दीकी गहमर से जिनका ताल्लुकात है और कुछ गहमर के लोग भी लोग हैं जो कि शव को जो है कच्ची जला के जो उनको जल प्रवाह कर दे रहे हैं और जो धाराएं बह रही हैं उनके हिसाब से जो है कि नहीं ये घाटे जो हैं लाशें जो हैं घाट पर आके लग जा रही हैं। आपके नज़रिए से प्रशासन की क्या लापरवाही इसमें नज़र आ रही है? प्रशासन की इसमें कोई ऐसी लापरवाही नहीं है, ये हमारी हम सबकी लापरवाही है, लेकिन प्रशासन ने कल इसको जब संज्ञान में आया तो तब पता दिखाते हुए रात को 12 बजे से लेकर और सुबह 8 से 9 बजे तक बीच में हम लोगों ने रात दिन करके इसको हटवाने का काम किया और अभी फिलहाल सही स्थिति है। अभी तक कितनी लाशें हटाई गई होंगी? 27 से 28 लगभग लाशें हटाई गई हैं। किन किन घाटों पर लाशों को निस्तारण किया गया? शुरुआत हम लोग मठिया से किए और उसके बाद जो है कि बागमरवा घाट, पचमुखी घाट, शुझवा घाट और नरवा घाट, ये 5 घाटों पर हटाए गए। गाजीपुर से इकरान खान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।